डीएचए मुल्तान की, कि कब लॉन्चिंग हुई उसकी, कब मार्केट में फाइल्स इशू हुई, कब उनका फर्स्ट बैलेट हुआ, उसके बाद प्लॉट जो है वो कब ऑन ग्राउंड आना स्टार्ट हुए, डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई, और अब पोजेशन के हवाले से वहाँ पे क्या किन किन ब्लॉक्स में पोजेशन है, कौन से अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं और कौन से भी ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकी, उनके हवाले से थोड़ा सा हमें आइडिया दें। मैं हिस्ट्री के हवाले से बात कर लूँ, डीएचए मुल्तान 2013 में लॉन्च किया गया, इनिशियली 1 करोड़ की फाइल्स आई, तकरीबन इनको लैंड एक्विजिशन में तकरीबन 5 साल लगे, इन्होंने 2017 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया, इसके साथ उन्होंने 5-10 मरला कनाल 4 मरला इंस्टॉलमेंट पे दिए हैं, और इसकी इन्होंने जो पहला बैलेट किया है वो 2019 में बैलेट किया था, जिसमें इसके 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 8 मरला 2 कनाल प्लस 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट इन्होंने दिए, जिसमें सेक्टर ए से ऑनवर्ड स्टार्ट होकर डब्ल्यू ब्लॉक तक के हैं, जिसमें से मोस्टली जो 95% एरिया है वो 1 कनाल का है, 5% एरिया आपका इसमें 5-10 मरला और 8 मरला की लोकेलिटी में है, जिसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ 5 मरला पी टी एंड वी ब्लॉक 5 मरले के हैं सोल्डली, और इवन अब नई एडिशन हुआ है सेक्टर ई में कुछ पार्शली एरिया आया है, उसके अलावा 10 मरला एक्सक्लूसिव ब्लॉक जो B1 होता है जो टोटली है, और जो और यू में 10 मरला जो ब्लॉक है उसमें कनाल के साथ ये कटिंग है, इवन 10 मरला की कटिंग सेक्टर ई में भी आ रही है, बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे 1 कनाल के में हैं, और मैं 2 कनाल के वाले से भी थोड़ा सा बता दूँ, वो सिर्फ 2 ब्लॉक्स में है, वो सेक्टर ए में है और सेक्टर एन में है, और बड़े 0.01% उनकी क्वांटिटी है, तो उनके अपने ही रेट्स हैं, रेट्स के वाले से भी बात करते हैं।